नहीं चुप रहो बस बाबा को बोलो ना, बाबा को बोल दिया ना। एवरेज है, मतलब कुछ भी स्पेशल नहीं है। एंड ये दाल है, मेनू दिखाओ स्पेशल थाली का, स्पेशल थाली का मेनू दिखाओ। हे भगवान मुझे उठा लो भगवान। कितने का? 140। अच्छा है खाना तो भाई, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपनी कंप्लेंट, बाहर क्यों निकाल दिया रेल ने? गुड आफ्टरनून, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। सो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन से। और आप सामने देख लो भाई, जो बुलेट ट्रेन है ना, उसका जो रेलवे स्टेशन है वो तैयार हो चुका है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपको इसका थोड़ा सा वीडियो बना के दिखाता। एंड ये चीज़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारा देश भाई इतना ज़्यादा डेवलप कर रहा है। फिलहाल छोड़िए इसको, अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। तो आज हम सफ़र करने वाले हैं 19223 अहमदाबाद जम्मू तवी एक्सप्रेस में, जो कि डेली रनिंग ट्रेन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेन है इस रूट की, जम्मू तवी जाने के लिए या अहमदाबाद जाने के लिए कनेक्टिविटी के मामले में। तो चलिए, ट्रेन आती है यहाँ पे 11:20 पे, तो आपको दिखाते हैं अराइवल। बाकी 11 बजे वो अहमदाबाद से निकल गई है, ठीक है? चलो जी भैया, टाइम हो रहा है पूरे 11:20 और अपनी जो ट्रेन है वो आ चुकी है। देखिए पूरे पीछे से पूरी कर्व हो चुकी है ट्रेन, एंड कर्व काफ़ी अच्छा है ये साबरमती वाला भाई, देखिए। और लोकोमोटिव आपको पता ही है भाई, बहुत ही पुराना लोकोमोटिव लगा है, WAP-4E का भाई, देखिए बटवा शेड का। वाह भाई वाह, क्या नज़ारा है भाई ट्रेन का यार, रुतबा ही अलग होता है भाई ट्रेन का। और अगर कोच पोजीशन की बात करें तो आगे की तरफ इसमें जनरल कोच मिलेंगे, उसके बाद स्लीपर कोच मिलेंगे, उसके बाद AC एंड फिर जनरल। ये इस ट्रेन की कोच पोजीशन रहती है, जो भी सफ़र करता है इस ट्रेन में उसको बता दिया भाई मैंने। भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है भाई, होली ख़त्म हुई है तो भीड़ भाड़ डेफिनेटली होगी होगी भाई। तो चलिए दोस्तों, फटाफट टाइमिंग की बात कर लेते हैं आज की अपनी इस ट्रेन की। तो ये जो ट्रेन है ये प्रतिदिन 11:05 पर अहमदाबाद से निकलती है, 1476 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद दूसरे दिन शाम को 6:40 पर आपको जम्मू तवी पहुँचाती है। वाह भाई वाह, देखो इनका स्कैम, मतलब कि अहमदाबाद से बोतलें चढ़ाई और साबरमती में बोतलें उतार दी, और नकली बोतलें अभी कैसे चढ़ाएंगे वो आप अभी देखोगे भाई। हाँ बाहर क्यों निकाल दिया रेल ने? हाँ बेचना नहीं है ट्रेन में? अच्छा तो भाई देखिए, मुझे लगता है ये सिर्फ शो ऑफ के लिए अहमदाबाद से चढ़ाते हैं, साबरमती में उतार लेते हैं रेल नीर, और जो ट्रेन के बीच में बिकता है वो नॉर्मल पानी बिकता है। अब देखते हैं इनकी क्या सच्चाई है। बाकी देखिए, सारा का सारा रेल नीर उतार लिया गया है, वो देखिए वो लोकल पानी चढ़ाया जा रहा है, वो देखिए रेल नीर छोड़ के लोकल पानी चढ़ाया जा रहा है, देखो। वाह भाई, गपले की सारी सीमाएँ पार। रेल नीर से ये पानी अच्छा होता है क्या भैया? हाँ कसम, इतना बड़ा स्कैम आज ज़िंदगी में पहली बार देखा, कसम से देख के रूह काम गई मेरी। मतलब अहमदाबाद में ये गाड़ी चलती है तो वहाँ पे इस ट्रेन में रेल नीर चढ़ाया जाता है और साबरमती में उतार लिया जाता है और लोकल पानी चढ़ा दिया जाता है। कितना बड़ा गफला हो रहा है भाई इस ट्रेन में। और आज का जो अपना सफ़र होने वाला है वो इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में होने वाला है। S3 हमारा कोच है, सीट आपको अभी अंदर जाके दिखाते हैं अपनी बर्थ 55। ये है भाई अपनी आगरा साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसको अभी अपनी ट्रेन पास कर रही है भाई, देखो। ये अहमदाबाद में गर्मी है ना, क्या ही बताऊँ भाई, नेक्स्ट लेवल गर्मी है कसम से, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी हम पंजाब में घुसेंगे तो थोड़ी बहुत वेदर चेंज होगा, बट अभी तो फिलहाल बहुत गर्मी है भाई यहाँ। पच्चीस हाँ नहीं वो वहाँ पे होता है।
दोपहर के 1 बज रहे हैं और 68 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है मेहसाना। ये जो मेहसाना है ये भाई डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की, एंड यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन भाई रुकी नहीं क्योंकि ये आई थी यहाँ पे 3 मिनट देरी के साथ। बाकी मेहसाना से निकल रही अपनी ट्रेन, देखिए MHS मेहसाना का स्टेशन कोड था, 2 ही मिनट का हॉल्ट था भाई मेहसाना जंक्शन पे। और खाने वाने का इस ट्रेन में आ रहा था लेकिन मैंने कुछ ऑर्डर नहीं दिया क्योंकि भाई मेरा तो अभी पेट भरा हुआ, लेकिन देखें कितने का खाना बेच रहे हैं इस ट्रेन का पूरा आपको बताएंगे। जो अपना मेहसाना था ये ऑयल एंड नेचुरल गैसेस की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है भाई। देखिए काफ़ी लंबी ट्रेन है भाई अपनी जाट ATI एक्सप्रेस। देखिए खाना कब आएगा? खाना बता, जम्मू तक चलोगे यहाँ? पठानकोट उतर जाओगे, उसके आगे नहीं जाती है। ओ भाई इतनी धूप हो रही है ना भाई, इतनी गर्मी हो रही है, मैं क्या ही बताऊं भाई आपको, वीडियो कैसे बनाऊं। देखो क्या मतलब सूरज चमक रहा है एकदम, ऐसे लग रहा है जैसे मैं मतलब रेगिस्तान में आ गया, कड़क रेगिस्तान में, थार डेजर्ट में। बाकी डिस्टेंस की बात करें तो 135 किलोमीटर का डिस्टेंस ही हमारी इस ट्रेन ने अभी तक कवर किया है और पहुंच चुकी है अपने 6ठे ऑफिशियल हॉल्ट पे, जो अपना पालनपुर, और आपका स्वागत है भाई गुजरात में। और पालनपुर पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है लेकिन 40 मिनट की देरी के साथ पहुँची है यहाँ पे। 2:25 बज रहे हैं लेकिन इससे जो टाइम था वो 1:55 पे था, यानी कि 2 बजे के आसपास था, लेकिन लेट हो गई ट्रेन। बाकी इतनी धूप है ना भाई, पूरा चलने का मन नहीं कर रहा, इतनी सुस्ती पड़ रही है, मन कर रहा है AC के अंदर सो जाएं। बाकी चलिए यहाँ से छाछ वाछ पीते हैं एंड थोड़ी गर्मी को दूर करते हैं। और खाना अभी तक मैंने ऑर्डर नहीं करा है, रात को ही करूँगा क्योंकि अभी मैंने पराठे लाए हैं तो वो पराठे वगैरह खा लेते हैं लस्सी के साथ अभी, उसके बाद रात को हम खाएँगे खाना वो इसी ट्रेन से, फिर हम बताएँगे इनको। बाकी जो जो कर रहे हैं ना वो सही नहीं कर रहे हैं भाई, इस ट्रेन में स्कैम बहुत होता है भाई। बाकी लस्सी लेने गया था भाई लेकिन ट्रेन को मंजूर नहीं था और कोच भी काफ़ी आगे है भाई, तो अब चढ़ जाओ फिर से भाई ट्रेन में। सोचा था ठंडी ठंडी छाछ पियेंगे लेकिन भाई मिली नहीं यार, मतलब ट्रेन चल पड़ी मिल जाती। अपना पालनपुर है, एक डिस्ट्रिक्ट भी है भाई डिस्ट्रिक्ट पालनपुर, और एक पालमपुर है जो कि भाई हिमाचल में है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, पालमपुर को डायमंड हब भी कहा जाता है भाई गुजरात स्टेट का। ये इंडियन रेलवे का WDG 4G लगा है भाई, जो कि पुल कर रहा है एक मालगाड़ी को। खीर की सब्जी आएगी, मिक्स सब्जी आएगी, दाल आएगा, राइस आएगा, चार चपाती आएगी, अचार आएगा। कितने का? 140। अच्छा है खाना? शाम को खाएंगे, अभी भूख नहीं है, शाम को खाएंगे ठीक है भाई। 140 रुपए की प्लेट, कुछ तो शर्म कर लो यार, कम से कम 80 रुपए की थाली 140 में बेच रहे हैं भाई। अब इनको शाम को बताएंगे, अभी हमने पराठे खाने हैं तो खाने हैं। ये अपनी ट्रेन निकल गई भाई आबू रोड से, एंड देखिए यहाँ पे फिर से कचपच हो गया। और भाई मेरी तो आँख लग गई थी, मैंने सोचा था आबू रोड को कवर करेंगे लेकिन भाई आबू रोड तो भाई निकल गया भाई जब मेरी आँख खोली तो। वो बुड्ढे हैं यार, यंग नहीं है, यंग होता तो बोलते वो बुड्ढे हैं। तुमको खुद को समझना चाहिए ना। हमारे साथ बुढ़ी है, 85 साल की, तुम्हें कुछ तो फिर भी मान रहे हैं। उनका टिकट ही निकाल, उनको ही शिकार है कि तुम वहाँ चले जाओ यार, उनकी उम्र क्या देखा है तुमने? उल्टे ज्ञान दे रहे हैं ऐसे नहीं। हाँ ठीक है भाई, मैं चला जाऊंगा आराम से। बोल दिया ना चला जा रहा हूँ, गलती से मेरा हो गया, गलती हो जाती है। हाँ तो गलती होती है, उसमें क्या हो गया? ये भी लास्ट रैंक के कार्मिक का है सुबेदार मिल जाए। हाँ मैं क्या, मैंने ना नहीं हो सकते हो, मैंने ना नहीं बोला ना, आपको पहले बता दिया मैं करके। ये भी आया है, मैंने क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला। आज भी नौकरी कर रहा हूँ, ये बैच लगा हुआ ना, आज इस बैच के ऊपर भी नौकरी कर रहा हूँ। तो अच्छी बात है, 17 साल इसमें हो गए हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। माँ सही है, बहुत अच्छी बात है। ये भगवान के बच्चे तो उसमें मैंने कुछ, मैंने क्या बोला? तो मैंने कुछ बोला ना? ना तैने नहीं बोला, तूने कुछ नहीं बोला, तेरे को तो फिर भी हम गाइड कर रहे हैं ना। आत्मा है, कौन बोल रही है बीच में? आत्मा बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो बकरी होती है। सही बात है, आत्मा बोलती है, मेरी आत्मा निकल गई, इतने बैठे हुए हैं तो क्या होगा, दो सौ 285 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया हमारी ट्रेन ने
अहमदाबाद से और पहुंच चुके अपने 10वें ऑफिशियल हॉल्ट पे, जो अपना राजस्थान का फालना, बाकी छोटा सा रेलवे स्टेशन था फालना। और देखिए यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट था, बाकी अभी ये ट्रेन लेट चल रही है। बाकी फालना से हमने लिए एक पानी की बोतल और एक लिया अमूल, की छाछ। यहाँ पे सीट कहाँ, यही है आपकी? हमारा सीट नहीं है। ऐसे ही कहाँ उतरोगे, आगे हमारे गर्मा गर्म पराठे, जो कि घर से ही लाए थे भाई, मतलब घर के ही पराठे हैं। दीदी ने दे दिया 4। जी थैंक यू। ये अपनी दिल्ली सराय रोहिला से बांद्रा टर्मिनल के बीच में चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस पास कर रही है अपनी अहमदाबाद जम्मू तक एक्सप्रेस। देना एक दे दो, ओके भैया। बाकी अगर आप मारवाड़ आते हो तो मारवाड़ी चाय जरूर ट्राई करें भैया। समय हो रहा है शाम के 6:45 और 351 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी जम्मू तवी अहमदाबाद एक्सप्रेस आ चुकी है अपने 11वें ऑफिशियल हॉल्ट पे, जो है काफी बड़ा है भाई, अपना मारवाड़ जंक्शन। और ये अपना मारवाड़ है, ये पड़ता है पाली मारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। मारवाड़ जंक्शन पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन ये ट्रेन यहाँ पे लगभग 42 मिनट की देरी के साथ आई है। और यहाँ से एक लाइन अपनी मावली वाली जाती है, एक अजमेर वाली जाती है, एक जोधपुर लूनी वाली जाती है, जिस रूट पे हमारी ट्रेन अभी जाएगी। मावली हेरिटेज ट्रेन का आपने नाम तो सुना होगा, अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आई तो उसको ज़रूर से हम कवर करेंगे। बाकी देखिए मारवाड़ जंक्शन से निकल चुकी अपनी ट्रेन, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर लगी थी। मारवाड़ की चाय वाकई में कमाल की है भाई। पनीर की सब्जी आएगी, मिक्स सब्जी आएगी, दाल आएगा, राइस आएगा, चार चपाती आएगी, स्वीट आएगा। कितने की थाली है? 140। हाँ 140। कम नहीं होगी थोड़ी? स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड वेज नहीं है। बिरयानी है, बिरयानी 120। स्टैंडर्ड वेज नहीं है बिरयानी, 120 की वेज बिरयानी, 120 की। यार इतना महंगा कब से हो गया ट्रेन में? चलो खाना अच्छा होगा ना, स्टैंडर्ड ही है ना वो। आपको दिन में खाया था ना आपने? नहीं मैंने नहीं खाया था दिन, मैंने बोला था रात को खाना है। चलो लिख लो फिर। कौन सा कोच में बैठे हो? यही बैठे हैं 55 नंबर की। कोच कौन सा है? 55 नंबर, यही एस3। एस3 कहाँ से चढ़ेगा खाना? है जोधपुर से 55 नंबर एस3 में। हे भगवान मुझे उठा लो भगवान। भाई स्कैम तो सुने थे, लेकिन ये तो महा स्कैम हो रहा है। वेज बिरयानी 80 की 120 में बेची जा रही है भाई, और 80 रुपए की थाली 140 में बेची जा रही है भाई। कितना हो गया? 20 40 60 रुपए एक्स्ट्रा लिया जा रहा है प्रति प्लेट के ऊपर। तो सोच लो अगर 100 बंदे के ऊपर भी 60 रुपए प्रति लें तो कितनी कमाई होगी भाई। चलो सही, आज इन्होंने बोला है बिल लेने को, तो देखते हैं बिल देंगे हमें नहीं देंगे। चलो हमारी सफ़र तो चल रहा है, सफ़र काफ़ी अच्छा चल रहा है। देखिए व्यू, देखिए भाई एक नंबर का व्यू है कसम से, देखिए कितना प्यारा व्यू है।
सो गुड इवनिंग दोस्तों, 455 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है हमारी जम्मू तवी अहमदाबाद एक्सप्रेस ने अहमदाबाद से, और पहुंच चुकी है अपने 13वें ऑफिशियल हॉल्ट पे, जो काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है जोधपुर। देखिए यहाँ पे आपको असंख्य यात्री मिलेंगे, कोई बैठा हुआ, कोई खड़ा हुआ, देखिए हर तरफ आपको यात्री मिलेंगे। तो आप इनको देख के जायज़ा लगा सकते हो ये कितना बड़ा एंड कितना इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है अपना जोधपुर। बाकी जोधपुर जंक्शन पे हमारी इस ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन ये ट्रेन यहाँ पे लगभग 43 यानी कि 43 मिनट की देरी के साथ पहुँची है भाई। जब से ये लेट हुई है तब से भाई टाइम ही नहीं अपना कवर कर पा रही है। बाकी एक नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी है हमारी ये ट्रेन, और जोधपुर का स्टेशन कोड है JU। ये जोधपुर है, यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म है, और ये अपने आप में काफ़ी बड़ी डिवीज़न है रेलवे के हिसाब से देखे जाए नॉर्थ वेस्टर्न जोन की। तो जो अपना जोधपुर है ये काफ़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की, और राजस्थान की सेकंड लार्जेस्ट सिटी भी अपनी जोधपुर, और इसको ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज यहाँ पे मंदिर हो फोर्ट हो उनको ब्लू शेड दी गई है। अगर आप यहाँ पे मतलब पैलेस, एक यहाँ पे राजा का पैलेस है, वहाँ पे जाके पूरी सिटी को देखोगे तो आपको पूरी ब्लू सिटी नज़र आएगी। 15 मिनट का हॉल्ट था यहाँ पे, और मुश्किल से मुझे लगता है 5 ही मिनट रुकी होगी अपनी ट्रेन जोधपुर जंक्शन पे। देखिए यात्रियों की क्या हड़बड़ी मच गई है यहाँ पे, जो खाना लेने जब लेट आए हैं यात्री, देखिए कैसे भाग भाग के चढ़ रहे हैं भाई। तो यही होता है भाई जल्दबाजी का सौदा, जब आप लेट हो जाते हो तो आपके साथ भी यही होगा। तो पहले ही भाई स्टेशन पे आ जाया करो। देखिए कुछ यात्री अभी पानी लेने आए हैं, जो कि चढ़ रहे हैं भाई। चलती ट्रेन से चढ़ना खतरनाक है, क्यों भैया खतरनाक है ना, लेकिन लोग फिर भी चढ़ जाते हैं भाई। एंड ये देखिए काफ़ी भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन था, कितने सारे यहाँ पे देखिए डेली पैसेंजर्स यात्रा करते हैं भाई। देखिए दूर दूर से लोग आते हैं जोधपुर घूमने के लिए। देखिए बाय बाय जोधपुर। ऑनलाइन किस लिए? बाबा के घर की है। चलो एक ही दो, क्या एक एक रोटी दो, एक नहीं खाना पड़ेगा। नहीं नहीं सर समझा करो, ठीक है। वो चिल्लाएगा फिर, मैंने ऑर्डर दे दिया, मना कर दो उसको, वो चिल्ला देगा ना। फोन कर दो, फोन कर, फोन नहीं, वो आ गया, वो आ गया। हाँ जी बिल ले आइए, ठीक है मैं आपको पैसे देता हूँ। अरे भाई मैं भाग थोड़ी रहा हूँ, मैं जम्मू तक जाऊँगा यार। मैनेजर बैठा आपका, हाँ वो दे देगा बिल, ठीक है ठीक है। सो भाई ये आगे इनकी थाली, जो कि 80 रुपए की थाली थी, लेकिन इन्होंने 140 रुपए की थाली दी भाई मुझे। लेकिन थाली में ऐसा कुछ नहीं है, दो खीरे के पीस हैं, एक पेठे का पीस है, इतना सा वो है पनीर है, एंड इतने से चावल एंड सब्जी है। नहीं है तो अभी आपको टेस्ट करके बताते हैं कि ये लायक है 140 के या नहीं है, ठीक है। बाकी है तो नहीं, देखिए पनीर भी एवरेज है, मतलब कुछ भी स्पेशल नहीं है। एंड ये दाल है, दाल भी एवरेज है, ज़्यादा थिक नहीं है। एंड ये आगे मिक्स वेज आ गया, एंड ये सैलेड आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले इनका पनीर टेस्ट करते हैं कैसा है। तो जो इनका पनीर है वो भी एवरेज है, एंड इनकी दाल आ गई, दाल भी भाई ज़्यादा नमक है थोड़ा सा, पर ठीक है खा सकते हो आप। और ये इनका आ गया मिक्स वेज, बाकी मिक्स वेज भी ठीक ठाक है, मतलब खा सकते हो, बट 140 की थाली नहीं है। बाकी ये बढ़िया है, बाबा जी का प्रसाद खा रहे हैं ये सारे के सारे, ये बढ़िया है। इन्होंने मुझे ऑफर करा था लेकिन मैंने ऑर्डर कर दिया था खाना। भाई पानी बोतल देना यार, वो मर गया हो, ये मर्च बड़ी लग रही है यार। अरे भाई ये कौन सा है यार, भाई वेलकम, ये कौन सा पानी है, ये कौन सा पानी है वेलकम। रेल नीर दो, रेल नीर आपने चढ़ाया था अहमदाबाद से, मैंने देखा था वो साबरमती में उतार दिया है ना, क्यों ऐसा क्यों सारा, सिर्फ दिखाते हो कि चढ़ाते हो, बाद में घपला कर देते हैं। ये बीमार तो नहीं हो जाऊंगा ना इसे यार, ले आओ ना मैनेजर को बोलो एक रेल नीर भी ले आओ बस। हाँ कौन सा रेल नीर, गर्म है? नहीं नहीं चुप चुप रहो बस, बाबा को बोलो ना, बाबा को बोल दिया ना, मैं किस लिए ये बोलो कि ये इन्होंने जो बस बस बोल दिया, जो असली पानी था ना वो उतार लिया, ये बोलो बाबा को, जो असली पानी था ना वो साबरमती में उतार दिया, ये बाबा को बोलो, जो सही बात है वो बोलो ना आप बाबा को, कि रेलवे की गलती नहीं है, रेलवे ने असली पानी चढ़ाया। अच्छा। इन्होंने अगले स्टेशन में बदल दिया पानी, ये बोलो बाबा को, आप बोलो बाबा
ये पानी बदल दिया इन्होंने, इनके कर्मों को आप देख लेना बाबा, बस मैं देखने वाला हूँ। बाबा ने भेजे इसलिए हैं ये बच्चे, ये जो बैठे हुए हैं ये बस सरदारी हो, देख लो ये भी वो भी ये भी वो भी, जो जब यहाँ पर 44 आदमी इस गाड़ी में चढ़े हुए हैं, ये देखने के लिए भेजे हुए हैं। जैसे अभी आप स्कूल में पढ़ रहे हो, ये भी विश्वविद्यालय में एक ही स्कूल है पूरे विश्व के अंदर, ये स्कूल भी है, कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी, ठीक। तो हमारी कौन सुनता है बाबा को, कंप्लेन कैसे करनी है, आंखें बंद करके? नहीं बिल्कुल, मैं भी कर देता हूँ, आंखें नहीं कंप्लेन आप नहीं कर सकते, आप पवित्र नहीं है। क्यों है, है मैं पवित्र नहीं हूँ? पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पवित्र है, पढ़ रहा है, इसीलिए आंखें बंद करके नहीं करनी। कैसे करनी बताओ, कैसे करनी बताओ? आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। हाँ हाँ, अपने इसके लिए ये कॉलेज में तो जाना पड़ेगा। करो करो एक बार करो। मैंने तो कर दिया, बस जो मेरे को था वो मैंने कर दिया, एक ही बार होगा। रिजल्ट कब मिलेगा? रिजल्ट के आपको सपना आ जाएगा। कोई पैसा नहीं, फ्री फ्री अवकाश, कोई फ्री, मैं बताऊंगा। तो दोस्तों टाइम हो रहा है रात के 9:30 और अहमदाबाद से लगभग 558 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है अपने 15वें ऑफिशियल हॉल्ट पे, जो अपना मेड़ता रोड जंक्शन, और यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन 50 मिनट की देरी के साथ यहाँ पे आई थी हमारी ट्रेन। और देखिए भाई, निकल दी, मतलब सिर्फ कुल्फी ली और बोलने लगा और निकल गई भाई ट्रेन। भाई उन्होंने जो बोला उनसे पूछो ना, बिल ले आओ भाई, मुझे बिल चाहिए यार। मैं दे रहा हूँ ना बिल। हाँ बिल दे रहा हूँ, रेल नीर मांग रहा हूँ, ये लोग वेलकम दे रहे हैं। जोधपुर में पानी रेल नीर चढ़ा है। आपने साबरमती में सारा रेल नीर उतार दिया है। अभी मेरे पास रेल नीर 20 पेटियां पड़ी हैं अभी जोधपुर। तो भाई दे क्यों नहीं रहे हो, वेलकम वाटर क्यों दे रहे हो आप, वेलकम वाटर क्यों दे रहे हो रेल नीर के? इन्होंने मुझे 140 रुपए का खाना दिया है, 140 का बिल ले आओ। 140 का बिल अभी आपके पास आ जाएगा, ठीक है, आपके पास बिल आएगा। आपने ओवर चार्जिंग उसको लिखाया है, आपको 140 का बिल आएगा। हाँ ले आइए। देख लिया ना भाई अपने महाकरप्टर ट्रेन का हाल, अभी कह रहे हैं हम बिल लेके आते हैं 140 का। हम भी देखते हैं आज कौन सा 140 का बिल देते हैं आज हमें। कंप्लेंट आपने करी? हाँ हाँ। कितने पैसे लिए होंगे आपसे? 140। 140 से तो ली। तो भाई बिल दो ना। बिल मैं दे रहा हूँ सब, मैंने आपको क्या बोला, बिल आपको, आप S1 में जाओ, 7 नंबर सीट पे बिल मिल जाएगा। अरे यार बोला मैंने तो जा, खाना यहाँ खाया उसने तो भौजी उस भाई मैं पगलार थोड़ी हूँ यार, अब लाके दे दूंगा। दे दो कंप्लेन, आप वापस ले लो, लाइए बिल, लाइए 140। बिल तो मैं लाके दे रहा हूँ भौजी, बिल तो मैं लाके दे रहा हूँ। हाँ दीजिए दीजिए बिल, मैं आपको मेनू मेनू भी लाइए, ठीक है। मेनू नहीं आता है भौजी? क्यों, साइड पेंट्री में मेनू नहीं होता है? नहीं आता है, पेंट्री में आता है मेनू। साइड पेंट्री में कोई मेनू कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो साहब, मैं आपको, आप बोल दो या मैं बोल दूँ? हाँ बोलो। मैं गलत हूँ? हाँ तो मैं बिल लाके नहीं दूंगा आपको। हाँ मैं साहूकार हूँ। हाँ मैं आपको बिल 140 रुपए लाइए लाइए, बात खत्म। 140 स्टैंडर्ड वाइज का क्या रेट होता है? इंग्लिश नहीं, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। और जो सादा खाना होता है उसका क्या रेट होता है ट्रेन में? सादे खाने का क्या रेट होता है ट्रेन में? ये खाना सादा नहीं था, आपको पनीर वाला। अच्छा इसमें सामान ही कर्ड कहाँ है? सब्जी दी है, दही कहाँ है इसमें? जो आप ये थाली दे रहे हो दही कहाँ है इसमें? मार हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, कोई पता ही नहीं। आप बोल सकते हो, बिल लाइए आप पहले, वो चीज आप बोल सकते हो, बिल लाइए बिल। मैं 140 का बिल दे रहा हूँ। मेनू दिखाओ स्पेशल थाली का, स्पेशल थाली का मेनू दिखाओ। आइटम्स पूरी नहीं थी उसमें। उसमें क्या क्या नहीं था भाई? दही नहीं था उसमें, नैपकिन नहीं था, सैनिटाइजर नहीं था उसमें। उसका वो दिखाओ, मेनू दिखाओ जो स्पेशल थाली है ना। हाँ। इसका मेनू दिखाओ मुझे। थाली का सर मेनू जो नहीं था हमारे पास, नहीं लिखा, ये मैं कैसे मान लूँ कि बिल सही है? ये बिल सर भाई इसमें क्वांटिटी नहीं लिखी ना, पनीर कितना होना चाहिए? 200
ग्राम होना चाहिए, चावल 150 ग्राम होना चाहिए, इसमें लिखा ही नहीं कुछ। वो मैं उनके पास ही बात कर रहा हूँ, वो ये बोल रहे हैं इसके मुझे इसमें ये मेरे पास इसमें छाछ नहीं था, नैपकिन नहीं था, और ये बता रहे हैं मैंने रेल पानी इनके पास अवेलेबल करा, बिल भी इनको दिया, ये बता रहे मेन्यू चाहिए, मेन्यू दिखाओ इसका, मेन्यू आप एक बार। तो ये बिल दे के चले गए सर, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी तरफ थोड़ा देख लो, इनका तो कुछ नहीं, ये यहाँ से उतरेंगे दूसरी रेल में चढ़ जाएंगे, ये तो अपना कमा लेंगे, आपको सब पता होता है। बिल्कुल सर, आपका स्टाफ सर इतना आपका नहीं पता लगा नीचे क्या कर रहा है आपको सब पता नहीं सर, आप यकीन नहीं मानोगे सुबह का खाना लगा कितना 12-20 खाना आया 8 बेकार। तो सर मैं आपके पैसे आपको नहीं अच्छा लगा, पूरे पैसे रहने दो भाई, जो आपका हक बनता है वो काट लो, बाकी मुझे दे दो, मैं आपके पैसे खा के मैं वो नहीं सर भाई, मैं पूरे पैसे नहीं लूँगा, जितना आपका खाना है ना वो काट लो आप, बाकी मुझे पैसे दे दो, ठीक है, जो ओवर चार्ज किया वो दे दो। तो भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है भाई अपने, तो काफ़ी ईमानदार है यार, जो नीचे वाले स्टाफ होते हैं वही ऐसा काम करते हैं, नहीं तो भाई नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। तो हम अपनी कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो भी हमने ट्वीट किया वो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम होगा ऐसा नहीं होगा, अब रेल नहीं दोगे, ठीक है। तो भाई देख लिया ना आपने किस तरह से इस ट्रेन में होता है स्कैम, वो एक्स्ट्रा पैसे लिए थे वो इन्होंने वापस कर दिए, और ये जो रेल नीर है भाई इसके तो इन्होंने पैसे भी नहीं दिए, ऐसे ही देंगे भाई, देख लो 3-3 बोतलें हो गए भाई। तो कल से देखते हैं इनका क्या हिसाब किताब रहता है, कल से ये अपना जो खाना बेचते हैं ये पूरा का पूरा सही प्राइस पर बेचेंगे तो सही है, वरना कल देखेंगे अब इनको, ठीक है। ठीक है, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पंजाब में। जी हाँ, 1055 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी जम्मू तवी अहमदाबाद एक्सप्रेस 20 मिनट बिफोर पहुंच चुकी है अपने 26वें ऑफिसर हॉल्ट पे, जो है अपना पंजाब का बठिंडा जंक्शन BTI, इसका स्टेशन कोड है, 15 मिनट का हॉल्ट है, और अभी हम जा रहे हैं बाहर। बाहर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेन 20 मिनट बिफोर आ गई है, साथ ही साथ भाई 20 मिनट बिफोर आ गई है, साथ ही साथ हमने कुछ लेने के लिए जाना है बाहर सामान, ठीक है। तो उस साइड चलते हैं, मैंने पहले भी इस स्टेशन को एक्सप्लोर कर लिया है, उस साइड नहीं उस साइड जाना पड़ेगा, अभी देखिए बाहर जा रहा हूँ, एंड ये देखिए गाड़ी छोड़ के। तो अगर आपकी भी ट्रेन आधा घंटा या 40 मिनट बिफोर आ जाती तो आप भी जा सकते हो बाहर, वरना 10 मिनट हो तो मत जाना भाई। तो ये देखिए भाई स्टेशन के बाहर आ गया, और एक बार बताऊँ आपको, जो भी बंदा मतलब स्टेशन के बाहर आता है ना ट्रेन को छोड़ के, खुशी पता नहीं अलग ही लेवल की होती है यार। बाकी दुकान देखते हैं यहाँ पे कोई, आगे हम बाहर से होके भी चाय वाय चल रही है सुबह की। बाकी बठिंडा जंक्शन की बात कर लेते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा जंक्शन है, यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म है, और ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन अपनी अबोहर को चली जाती है, एक अपनी हनुमानगढ़ वाली जिस रूट पर हमारी ट्रेन आ रही है, एक चली जाती है बरनाला होते हुए अम्बाला को, एक चली जाती है अबोहर फजिलका वाली, एक चली जाती है भाई कोटकपूरा वाली जिस रूट पर हमारी ट्रेन अभी जाएगी। और बठिंडा को पंजाबी सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 5 आर्टिफिशियल लेक्स बनाई गई है, साथ ही साथ यहाँ पे आप अगर आते हो तो फोर्ड वगैरह घूम सकते हो बठिंडा में, काफ़ी अच्छी जगह है घूमने लायक भी अपनी बठिंडा। बठिंडा आते हो तो आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको छोले भटूरे हो गए, छोले कुलचे हो गए, चाय होगी, एकदम स्टॉल मिल जाएंगे भाई प्लेटफॉर्म के साइड पर। निकल गई अपनी ट्रेन बठिंडा से, अच्छे थे तेरे लारे चूर, वाह भाई क्या व्यू है भाई, देखो इस साइड हो गया हमारा सनराइज एंड इस साइड हमारी ट्रेन, देखिए क्या रिफ्लेक्ट हो रही है भाई लाइट, जो कि सनलाइट पड़ रही है भाई ट्रेन पे। तो टाइम हो रहा है लगभग 9:45 हो रहे हैं भाई, और डिस्टेंस की बात करें तो 1143 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी ट्रेन कवर कर लिया है, और पहुंच चुके हैं अपने 31वें ऑफिशियल हॉल्ट पे, जो अपना फिरोजपुर कैंटोनमेंट, और यहां पे इस ट्रेन का लगभग 25 मिनट का हॉल्ट है, क्योंकि यहां पे इस ट्रेन का होगा लोको रैक
रिवर्सल। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं सबसे आगे आ गया आपको दिखाने के लिए कि इसका लोको रैक रिवर्सल कैसे होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से इंजन अभी खुल गया है और ये इंजन अभी उस साइड लगेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आगे की तरफ पाकिस्तान है भाई, अगर उस साइड देखोगे ना तो ये इंजन इस साइड से खुल के उस साइड लगेगा। एंड ये जो सीधा ट्रैक गया ना, ये गया अपना हुसैनी वाला, 10 या 8 या 10 किलोमीटर दूर हुसैनी वाला है, जो कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है भाई, इंडिया में पड़ता है अपना हुसैनी वाला। फिरोजपुर आते हो तो यहाँ पे आपको पेटी बहुत सस्ती मिलेगी, देखिए 30 रुपए में 2 पेटीज मिली हैं। सुबह का हमारा नाश्ता, 10 बजे नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद हमने लिया है भाई ये आइसक्रीम, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये आ गया हमारा जम्बो, अपनी ट्रेन फिरोजपुर से। दोस्तों अहमदाबाद से लगभग 1260 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ये जो ट्रेन है ना, ये पहुंच चुकी है अपने 38th ऑफिशियल हॉल्ट पे, जो है अपना पंजाब का जलंधर शहर। जी हाँ दोस्तों, जलंधर में 2 स्टेशन है, जलंधर कैंट और जलंधर सिटी, लेकिन ये जो ट्रेन है ये जलंधर सिटी में आती है। और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन फिर से ये ट्रेन 30-35 मिनट लेट हो गई है भाई। तो फटाफट इस ट्रेन में आपको कोच कॉन्फ़िगरेशन बता दिए जाए कि इसमें कितने, किस क्लास के रैक्स लगे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें लगे हुए हैं स्लीपर क्लास, जो कि 9 लगे हुए हैं, उसका 3 लगे हुए हैं इसमें थर्ड एसी के रैक, 1 लगा हुआ है सेकंड एसी के रैक, और 5 लगे हुए हैं जनरल के रैक। पता नहीं भाई इस ट्रेन को, और भैया बढ़िया, कहाँ जा रहे हो? जम्मू जा रहा हूँ यार। कहाँ से? अहमदाबाद से आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैं बड़े दिन से देखता था। पूरे 10 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है जलंधर सिटी से। चढ़ने देती हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, इस ट्रेन के हॉल्ट बहुत ज़्यादा हैं, 48 हॉल्ट हैं इसके अहमदाबाद से जम्मू तवी के बीच में, जिनको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ भाई। इतने सारे हॉल्ट को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है भाई। ट्रेन का सामना हो रहा है शान ए पंजाब एक्सप्रेस से, जिसको ताज एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अपने रैक्स ताज एक्सप्रेस के साथ शेयर करती है, जो कि नई दिल्ली से लक्ष्मीबाई यानी कि झांसी के बीच में चलती है। बाकी ये जो ट्रेन है ये अपनी दिल्ली से आ रही है और अमृतसर को जाएगी अपनी शान ए पंजाब एक्सप्रेस। काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, काफ़ी सुपरफास्ट गाड़ी है भाई, पंजाब की शान के नाम से जाने जाने वाली शान ए पंजाब एक्सप्रेस। अभी अपनी ट्रेन का पास होगा जम्मू तवी से अहमदाबाद के बीच में चलने वाली जम्मू तवी अहमदाबाद एक्सप्रेस के साथ, और जिसमें अभी मैं हूँ ये भी वही ट्रेन है, लेकिन एक जम्मू से अहमदाबाद को जा रही है और जिसमें हम बैठे हैं वो अहमदाबाद से जम्मू को जा रही है। और कैसे हो? बढ़िया हूँ, तू सुना? मैं भी ठीक है। और कुदरकार थोड़े देखे दा मैं पहले भी तने तन वो ना दस मैं वीडियो ना दस जेडी दुई किन्नर मंगा दी ही पा हीरे ना गिरे ना थोड़े घर। सो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है भाई पठानकोट में, और यहाँ पे इसकी होगी अभी कपलिंग, इसका इंजन चेंज होगा, जो कि अभी आपको दिखाएंगे। टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं और अहमदाबाद से लगभग 1336 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी इस ट्रेन ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने 44वें ऑफिशियल हॉल्ट पे, जो अपना पठानकोट जंक्शन। अच्छा, ये जो ट्रेन है ये पठानकोट जंक्शन पे रुकती है, मकेरियाँ, दसुआ, टांडा, ये सब मतलब इसके छोटे छोटे स्टॉप रहते हैं, लेकिन हम तो भाई सीधा पठानकोट जंक्शन कवर किया। पठानकोट से लिए हमने भाई बल्ले, देखिए
₹50 के मिले हैं। बाय बाय पठानकोट। तो दोस्तों अहमदाबाद से पूरा 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी इस ट्रेन ने कवर कर लिया भाई और पहुंच चुके अपने 45th ऑफिशियल हॉल्ट पे जो अपना कठुआ। एंड अभी हम जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं और इसके बाद अब ये ट्रेन हीरानगर गगवाल के रास्ते जम्मू तवी को चली जाएगी और मैंने इस ट्रेन को यहीं पर डिवोट कर दिया क्योंकि ये मेरा होम टाउन है। यहाँ से मात्र एक घंटे का रास्ता है इस ट्रेन का भी। तो चलिए आज के सफ़र को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो जर्नी एक्सपीरियंस ठीक ठाक था। खाने को लेके इस ट्रेन में घपला होता है, ये कह सकते हो कि मोस्ट करप्टेड ट्रेन है भाई ये इंडियन रेलवे की। इतना ज़्यादा मतलब ठगी होती है खाने को लेके। बाकी साफ़ सफाई में ठीक है, शेड्यूल ठीक है, फेयर वेयर भी इतना ज़्यादा नहीं है। 500-600 रुपये किराया है इसका स्लीपर का और 1500 के आसपास का है थर्ड एसी का, ठीक है। तो चलो करते हैं इस सफ़र को यही पेंड। आज का सफ़र आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे आपको एक नए खूबसूरत ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।